हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी इश्क विश्क रिबाउंड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राघव नाम के लड़के से, जो कि एक राइटर है। एक्चुअली राघव एक बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लिख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या होगा। तभी वहाँ पर राघव की बॉस आती है और राघव से कहती है कि उसे जल्दी अपना क्लाइमैक्स लिखना होगा, क्योंकि अगर उसने क्लाइमैक्स नहीं लिखा तो वो राघव को जॉब से निकाल देगी। जिसके बाद राघव यही सोचने लगता है कि स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राघव ने जो मूवी की स्टोरी लिखी थी वो उसी के लाइफ के ऊपर थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्लाइमैक्स वो क्या लिखेगा। जिसके बाद हमें राघव की स्टोरी दिखाई जाती है। कुछ टाइम पहले राघव एक कॉलेज में था और वहाँ पर उसके दो दोस्त थे, एक थी सानिया और दूसरा था साहिल। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और इनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। जैसे ये लोग बड़े हो गए, साहिल और सानिया को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो दोनों रिलेशन में आ गए। तो वही राघव अकेला था, लेकिन उनका बॉन्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग था। तो वही साहिल और सानिया का हमेशा झगड़ा होता और हर बार वो ब्रेकअप करते, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो दोनों एक दूसरे को मना ही लेते और उनका रिलेशन फिर से शुरू हो जाता। अब सानिया की बात करें तो सानिया अपनी माँ के साथ रहती है, क्योंकि उसकी माँ का डिवोर्स हो गया था। सानिया अपने पापा को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो वही साहिल की बात करें तो साहिल के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि साहिल आर्मी में जाए। उनका साहिल पर काफ़ी प्रेशर था, जिसकी वजह से साहिल काफ़ी परेशान था। तो वही राघव की बात करें तो राघव के मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा चिल थे, वो दोनों हमेशा गेम्स खेलते रहते थे, इसलिए राघव अपनी लाइफ में काफ़ी खुश था। अब दूसरे दिन राघव जब कॉलेज में जाता है तो उसकी मुलाकात रिया नाम की लड़की से होती है, जो एक प्रोटेस्ट कर रही थी। अब राघव को रिया काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो भी उसके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगता है। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन राघव ने ये बात सानिया और साहिल से छुपाई थी और ये बात रिया को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रिया को लग रहा था कि अगर राघव उसे सच में प्यार करता है तो उसे सबके सामने उसे एज ए गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करना होगा। और राघव भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो रिया को अपने दोस्तों से मिलवाता है। अब जब साहिल को पता चलता है कि राघव को प्यार हो गया है तो वो भी उसके लिए काफ़ी खुश था, जिसके बाद चारों मिलकर काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन राघव सानिया और साहिल को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था और ये बात रिया को अच्छी नहीं लगती थी। जब राघव और रिया पहली बार इंटीमेट होने वाले थे तभी उसे सानिया का कॉल आता है और राघव उसके साथ बात करने लगता है। ये देखकर रिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि राघव को इस टाइम पर भी कॉल उठाना था, इसलिए वो राघव से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर रिया उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद राघव सानिया से मिलने जाता है तो सानिया वहाँ पर रो रही थी। यहाँ पर राघव को पता चलता है कि फिर से साहिल और सानिया का झगड़ा हो गया था, क्योंकि साहिल का आर्मी में सिलेक्शन हो गया था और वो ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने के लिए जाने वाला था। तो वही सानिया नहीं चाहती थी कि साहिल उससे दूर जाए। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि साहिल कहता है कि उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता। इसलिए सानिया को ही सिचुएशन को समझना होगा और मैच्योरली एक्ट करना होगा। लेकिन सानिया उसे झगड़ा करने लगती है, जिससे साहिल काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए वो सानिया के साथ ब्रेकअप करना चाहता था। अब ये बात सुनकर सानिया काफ़ी रोने लगती है, तो वही राघव भी साहिल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल कहता है कि सानिया बिल्कुल भी मैच्योरली बिहेव नहीं करती, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था और उसे ये सब नहीं चाहिए था। अब ये सुनने के बाद सानिया भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वही राघव उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, लेकिन ना ही सानिया उसकी बात समझ रही थी और ना ही साहिल। अब ब्रेकअप के बाद साहिल सानिया के सारे गिफ्ट लौटा देता है, जो देखकर सानिया राघव से कहती है कि उसने जो साहिल को डॉग दिया था वो उसे भी वापस लेकर आए। अब ये बात सुनकर राघव काफ़ी शॉक था, क्योंकि वो डॉग साहिल के घर वालों के लिए उनका फैमिली मेम्बर बन गया था। लेकिन फिर भी राघव साहिल के घर जाता है और चुपकर डॉग को लेकर आता है, जो देखकर सानिया काफ़ी खुश हो जाती है। अब सानिया को लगता है कि राघव उसे किस करना चाहता है, तो वही राघव को लगता है कि सानिया उसे किस करना चाहती है, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। और बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने गलत किया, उन्हें एक दूसरे को किस नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद राघव सानिया को इग्नोर करना शुरू कर देता है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, सानिया को किस तरह से फेस करें। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि उसने साहिल के साथ भी गलत किया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो साहिल को बता देगा। लेकिन उसे लगता है कि अगर उसने बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा,
इसलिए वो साहिल को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी साहिल का उसे कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब राघव को लग रहा था कि साहिल को पता चल गया होगा कि राघव ने सानिया को किस किया था, इसलिए वो घबराते हुए साहिल से मिलने जाता है। तो साहिल उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि राघव उसके डॉग को लेकर गया था। एक्चुअली साहिल के घर में सीसीटीवी कैमरा थे और उसकी फुटेज देखकर साहिल समझ गया था कि राघव ही उसके डॉग को लेकर गया था। इसलिए साहिल राघव से कहता है कि उसके घर वाले राघव पर काफी गुस्सा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो उसके घर ना जाए। जिसके बाद साहिल राघव से सानिया के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि वो उसका ख्याल रखे। जिसके बाद साहिल राघव को ट्रिप की टिकट देता है जो सानिया ने उसके और साहिल के लिए बुक की थी। साहिल कहता है कि वो तो इस ट्रिप पर नहीं आ सकता, इसलिए वो इन टिकट्स को सानिया को लौटा दे। अब दूसरे दिन राघव सानिया से मिलता है, लेकिन सानिया राघव पर गुस्सा थी क्योंकि सानिया इतने दिनों से उसे कॉल कर रही थी लेकिन राघव उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन राघव किसी तरह से सानिया को मना लेता है। राघव जानता था कि सानिया अब तक ब्रेकअप को नहीं भूली थी, इसलिए राघव उसे समझाता है कि जो चीज़ उसे तकलीफ दे रही है उसे वो छोड़ दे। अब ये सब सुनने के बाद सानिया भी समझ जाती है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए। जिसके बाद राघव उसे उसके ट्रिप की टिकट देता है, जिन्हें देखकर सानिया राघव से कहती है कि वो इस ट्रिप पर उसके साथ चले। अब राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो सानिया को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो सानिया के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। अब ये ट्रिप थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि इस ट्रिप पर वो लोग अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे थे जो कि डरावनी थी। शुरू में वो दोनों ही काफी एंजॉय करते हैं और उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन तब राघव को साहिल का कॉल आता है और साहिल राघव को थैंक्स कहता है क्योंकि राघव सानिया के साथ ट्रिप पर आ गया था। साहिल कहता है कि अगर वो सानिया के साथ ट्रिप पर नहीं आता तो सानिया काफी उदास रहती। अब सानिया ने उनकी बातें सुन ली थी और सानिया को लगता है कि राघव उसके साथ ट्रिप पर इसलिए आया था क्योंकि साहिल ने उसे कहा था, इसलिए सानिया राघव पर गुस्सा हो जाती है और राघव के साथ बात करना बंद कर देती है। अब वो लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे थे तभी अचानक वहां पर आग लग जाती है, जिससे सब लोग वहां से निकल जाते हैं और सानिया को लगता है कि राघव भी बस में होगा। लेकिन दूर आने पर उसे पता चलता है कि राघव बस में नहीं था। तो वही हम राघव को देखते हैं जो जंगल में अकेला रह गया था। अब राघव काफी डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे कॉन्टेक्ट करे क्योंकि उसके मोबाइल में रेंज नहीं थी और राघव को लग रहा था कि उसे रिया के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो रिया को मैसेज करता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है, पता नहीं वो उससे कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। लेकिन जब राघव ये मैसेज सेंड करता है तभी वहां पर सानिया आती है और वो राघव को वहां से ले जाने लगती है। सानिया राघव को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। तो वही राघव को भी सानिया पसंद थी, इसलिए वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और दोनों किस करते हैं। लेकिन साथ ही राघव को डर था कि जब रिया उसका मैसेज सुनेगी तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। जिसके बाद राघव और सानिया अब रिलेशनशिप में आ गए थे और वो दोनों वापस घर आते हैं। घर आने के बाद सानिया राघव के लिए एक स्पेशल डेट प्लान करती है। लेकिन जब राघव सानिया के घर आ रहा था तभी उसके पास साहिल आता है। अब साहिल को वहां देखकर सानिया की माँ काफी खुश थी क्योंकि वो चाहती थी कि सानिया और साहिल फिर से पैचअप कर लें, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि राघव और सानिया रिलेशनशिप में है। तो वही सानिया भी समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। अब यहाँ पर साहिल उन्हें बताता है कि उसकी बहन की शादी तय हो गई है और वो सानिया और राघव को शादी में इन्वाइट करने के लिए आया था। जिसके बाद जब राघव और साहिल बात कर रहे थे तो साहिल राघव से कहता है कि वो सोच रहा था कि वो सानिया और उसके रिलेशनशिप को एक और मौका देगा। अब ये सुनने के बाद राघव उसे बताना चाहता था कि वो सानिया के साथ रिलेशन में है, लेकिन राघव को डर था कि पता नहीं साहिल इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसलिए राघव डिसाइड करता है कि जब साहिल की बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद ही वो साहिल को सब कुछ बता देगा। वो इस बारे में सानिया के साथ भी बात करता है और सानिया का भी यही कहना था कि शादी के बाद वो लोग साहिल को सब कुछ बता देंगे। जिसके बाद सानिया राघव को लेकर शॉपिंग पर जाती है, लेकिन वहां पर उसे एक इम्पोर्टेंट काम याद आता है, इसलिए वो राघव से कहती है कि वो बिल करके ड्रेस लेकर आए। जब राघव बिल करने के लिए जाता है तो उसका कार्ड वर्क नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पर रिया आती है और उसका पेमेंट कर देती है। जिसके बाद राघव और रिया बातें करने लगते हैं और रिया की बातों से पता चलता है कि वो आज भी राघव से प्यार करती है। वो राघव से पूछती है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशन में है, लेकिन राघव उसे कहता है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है। जिसके बाद वो रिया से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर रिया का कहना था कि वो भी सिंगल है। जिसके बाद ये चारों साहिल की बहन की संगीत में मिलते हैं और वहां पर डांस करने लगते हैं।
वहाँ पर साहिल सोच रहा था कि वो सानिया के साथ बात करेगा और फिर से उनकी रिलेशनशिप को एक और मौका देगा। इसलिए वो सानिया को किस करने जाता है, लेकिन सानिया उसे धक्का देती है, जिसके बाद सानिया उसे बता देती है कि वो और राघव रिलेशन में है। अब ये सुनने के बाद रिया और साहिल दोनों ही काफी शॉक थे। साहिल राघव पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, तो वही रिया भी राघव पर गुस्सा थी क्योंकि राघव ने उसे नहीं बताया था कि वो सानिया के साथ रिलेशन में है। अब ये सब सुनने पर राघव भी काफी गुस्सा हो जाता है। राघव उन तीनों से कहता है कि उन तीनों को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो सानिया और साहिल से कहता है कि वो दोनों जब रिलेशन में थे तो हमेशा झगड़ा करते थे, जिसके बाद राघव को आकर ही उनके बीच सब कुछ ठीक करना पड़ता था और उसी वजह से उसका रिया के साथ ब्रेकअप हो गया। लेकिन उसके ब्रेकअप के बाद किसी ने भी नहीं पूछा कि राघव कैसा है। साथ ही रिया भी उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद एक बार भी नहीं पूछा कि क्या राघव अभी ठीक है। इसलिए वो उन तीनों से कहता है कि उन तीनों को जो करना है वो करे, वो अब उनके साथ नहीं रह सकता। ये बोलकर राघव अपने घर आता है और अपना सारा सामान पैक करता है। वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि वो अब मुंबई जाएगा और वहीं पर जॉब करेगा। उसके मम्मी पापा तो इसके लिए पहले कन्विंस नहीं थे, लेकिन राघव की बात सुनकर वो मान जाते हैं, जिसके बाद राघव मुंबई आ गया और यहाँ पर राइटर बन गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राघव बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लिख रहा था। उसने अपनी यही स्टोरी अपनी मूवी में डाली थी और उसे पता नहीं था कि वो क्लाइमैक्स में क्या लिखे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के टच में नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि तानिया, साहिल और रिया भी क्या कर रहे थे। अब राघव इसी बारे में सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे साहिल की बहन का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि साहिल का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सुनने के बाद राघव उससे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली साहिल के पापा ने उसे पीटा था, क्योंकि साहिल ने उनका सपना पूरा नहीं किया था। अब ये बात सुनकर राघव को काफी गुस्सा आता है और वो साहिल के पापा से कहता है कि वो साहिल से माफी मांगे, लेकिन साहिल के पापा इस पर गुस्सा हो जाते हैं और राघव को भी पीटने लगते हैं। इसलिए साहिल गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेता है और अपने पापा से कहता है कि अब से वो उनका टॉर्चर सहन नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद उसके पापा रुक जाते हैं। अब साहिल और राघव काफी बातें करते हैं और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसे हो जाती है, जिसके बाद साहिल राघव से कहता है कि उसे एक बार सानिया से बात करनी चाहिए। इसलिए साहिल खुद राघव को सानिया के पास लेकर जाता है। जब राघव सानिया को छोड़कर चला गया था तो सानिया ने अपना एक कैफे स्टार्ट किया था और वो उसी को संभालने में काफी बिजी हो गई थी। जब वो राघव को वहां पर देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि राघव एक साल के बाद वापस आया था। राघव सानिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये सुनकर सानिया इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शायद वो तीनों दोस्ती अच्छे थे, जब से उनके बीच में ये प्यार का चक्कर आया है तब से उनकी दोस्ती खराब हो गई थी। इसलिए सानिया कहती है कि उन्हें अब दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। अब ये सुनने के बाद राघव इमोशनल हो जाता है और सानिया से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। ये बोलकर राघव वापस मुंबई आ जाता है। अब यहाँ आने पर राघव सोच रहा था कि वो अपनी स्टोरी की एंडिंग क्या लिखे। राघव की बॉस को हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, इसलिए राघव डिसाइड करता है कि वो अपनी स्टोरी में लिखेगा कि लास्ट में राघव रिया के पास गया और उससे माफी मांगी। साथ ही उसने बताया कि वो रिया से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब ये बातें सुनकर रिया भी इमोशनल हो जाती है और वो भी राघव से कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और वो भी उसके बिना नहीं रह सकती। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को हक कर देते हैं और यहीं पर राघव की मूवी एंड हो जाती है। जब राघव की बॉस इस स्टोरी को सुनती है तो उसे ये स्टोरी काफी पसंद आ गई थी और वो राघव से कहती है कि वो इसका पार्ट टू भी निकालेंगे, जिसमें सानिया की स्टोरी को दिखाया जाएगा। अब ये सुनने के बाद राघव काफी सोच में पड़ जाता है कि वो आगे की स्टोरी में क्या लिखेगा। अब शूटिंग शुरू हो गई थी और राघव भी सेट पर था, तभी उसे साहिल का कॉल आता है और वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तब राघव साहिल से कहता है कि वो एक बार सानिया से कॉल पर बात करना चाहता है, लेकिन साहिल बताता है कि वो राघव के साथ कॉल पर बात नहीं करेगी। अब ये सुनने के बाद राघव उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर सानिया आ जाती है, क्योंकि सानिया को भी एहसास हो गया था कि वो राघव से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी सानिया को पता चलता है कि राघव ने अपनी मूवी के एंडिंग में उसकी स्टोरी रिया के साथ एंड की थी। लेकिन इस बात पर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। वो दोनों ही समझ गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी।
अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।